बंगाली समाज की ओर से गनीपुर स्थित श्री श्री श्यामा काली मंदिर में दीपावली पर बंगाल से ढाक कलाकारों को आमंत्रित किया था, जहां कलाकारों ने धुनुची नृत्य के साथ माता की सामूहिक आरती कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस महाआरती को इस 63 वर्षों से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के पुरोहित भरत चक्रवर्ती ने बताया कि 1961 से मंदिर से पूजा हो रही है। ऐसे तो साल भर श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। दीपावली के 3 दिनों में मंदिर में महोत्सव के रूप में माता की पूजा की जाती है। पहले दिन 12 नवंबर को दीपावली की रात्रि 12 बजे से निशा पूजा की गई। इसके बाद 13 नवंबर की शाम बंगाल से आए कलाकारों ने ढाक बजाकर धुनुची नृत्य के साथ भव्य आरती की। साथ ही आज 14 नवंबर को शाम 8 बजे से मंदिर में महाभंडारे का आयोजन किया गया। पुरोहित भरत चक्रवर्ती ने बताया कि मंदिर का संचालन बंगाली समाज की ओर से किया जाता है। इस दौरान कमेटी के सदस्य पूजा समिति रामकृष्ण पाल, सुमित कुमार, रोशन, शेषनाथ, कुणाल, आनंद, आकाश, नारायण, विकास, सौरभ, सचिन, प्रशांत, पीयूष, गौरव, सूरज, राकेश, अनिकेत, शशि, कनाही, रंजीत, ऋतिक, रोहित, राजा, अमन, पिंटू, रोहित, समीर, सोनू, प्रेम, रोहित, लकी, रोहित, मोहित, वंश, सुशील, आदित्य एवं अन्य सदस्य द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में का अहम योगदान रहा। आज शाम को संध्या 7:30 बजे धुनुची आरती नृत्य है और उसके बाद रात्रि 9 बजे से माँ का भोग का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और पंडित जी, यहाँ क्या यहाँ की विशेषता है, ये मंदिर कहाँ पर स्थापित है और क्या इसकी खासियत है, जरा बताएं। मंदिर की स्थापना गनीपुर बंगाली कॉलोनी में है। ये 1961 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और तब से लेकर आज तक सभी भक्तों के सहयोग से, अब मोहल्ले वाले के सहयोग से पूजा चलता आ रहा है और सब जो एकजुट मिलकर यहाँ पे पूजा करते हैं। और 4 दिन जो है यहाँ जो अनुष्ठान किया जाता है, वो लोग जो है भक्तगण एक साथ मिलके उसका आनंद उठाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में किन लोगों का अहम योगदान रहता है? देखिए, दरअसल इस मंदिर में जितने भी बंगाली परिवार है, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस मंदिर में तन मन धन से हमेशा सेवा करते हैं और एक साथ मिलकर करते हैं। ये बहुत बड़ा एक कमेटी हम लोग का, जैसे कि बंगाली कमेटी ही कही है, बंगाली कमेटी है। कितने दिनों का ये पूजा होता है? ये 4 दिन का पूजा हमारे शुरू से होता आ रहा है, 4 दिन, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख। क्या 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को आपको संध्या 7 बजे जागरण का आयोजन किया गया है और उसके बाद फिर माँ का प्रसाद का वितरण किया जाएगा जागरण के बाद। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।